मैं सरिता सिंह आजाद जनता पार्टी की प्रत्याशी हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह धरना किसान है। मैं महिला प्रत्याशी हूँ। मुझे जनता पार्टी ने टिकट दी है। महिला को टिकट देना मतलब उनके लिए एक सम्मानजनक है। आज तक के किसी भी पार्टी ने महिला को टिकट नहीं दी है, परंतु मुझे मेरी पार्टी ने बताया है कि जो महिला कर सकती है वो कुछ नहीं कर सकती। महिला सबसे ज़्यादा कार्य कर सकती है, दोनों से आगे बढ़ के कार्य कर सकती है। मैं जनता के समक्ष एक बात करना चाहूँगी कि आज जिस तरीके से चुनाव का दौर चल रहा है, मैं जगह जगह प्रचार में गई, मुझे एक मुद्दा नजर आया कि पैसा सबके लिए सबसे जरूरी मुद्दा है पैसा। जहाँ भी मैं वोट मांगने के लिए गई, मैंने समर्थन मांगा लोगों से, सबसे पहले उन्होंने मुझसे यही बात की। लोग केवल वोट को एक जरूरत का मुद्दा समझ रहे हैं कि उनकी जरूरत है वोट देना, परंतु ये जरूरत नहीं है। उनका एक बहुमूल्य वोट है, उनके 5 सालों का विकास, उनके 5 सालों का निर्णय, जिससे वो अपने लिए एक सेवक ढूंढे, जन सेवक ढूंढे जो उनके लिए कार्य करे। वह लोगों को ऐसा राजा चुने कि जो उनके बीच में रह करके कार्य कर सके। जगह जगह पर पैसे को लेकर के चर्चाएं चलती रही। आज बड़ी बड़ी रेंजर निकल कर लाखों रुपए बड़ी पार्टियाँ लगा रही हैं। एक रैली में कम से कम 1-2 लाख रुपये लगा करके रैली कर रही है। मैं वो रैली नहीं कर सकती। मैं लोगों की जनसंख्या को कम करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास स्वभाव था, परंतु मैं अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहती हूँ कि 5 सालों में एक बार ये मौका आता है कि जब आप अपने लिए एक जनसेवक चुने, ये मौका आप मत खोइए। अपने बहुमूल्य वोट एक ऐसे प्रत्याशी को दीजिए जो 5 साल आपके साथ खड़ा रहे, चंद मिनट में भी, चंद सेकंड में भी, चंद दिन में भी, पूरे 5 साल तक आपको लेकर के चले। आप किसी को किसी को लेकर के आपके विकास, आपके क्षेत्र, आपके बच्चों का भविष्य, हर किसी क्षेत्र में वो सहयोग पक्ष सोचे। जो भाजपा और कांग्रेस ने किया वो सही है, लेकिन इसका वो 100 गुना कर सकते थे, तो वो नहीं कर। आज जनता भाजपा और कांग्रेस आपस में ही एक दूसरे पर प्रत्यारोप का आरोप लगा रही हैं। दोनों एक दूसरे को भी शोषण लेदर कर रही हैं। अगर उन्होंने विकास किया होता, अगर वो सुचारू रूप से पूरी तरीके से क्षेत्र के विकास को सोचा होता, आज ये कभी नहीं दिखने को मिलते। मैं महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि एक महिला प्रत्याशी अगर मैदान में जोर शोर से समर्थन करे, महिलाएँ आज किसी क्षेत्र में शिक्षक के काम किया वो चाहिए तक पहुँचती है। मैंने अपना ये निवेदन है महिलाओं से कि वो अपने आप का अबला बेचारी ना सोचे। आप किसी भी क्षेत्र में कम नहीं हैं। आप आइए, आप आगे बढ़ करके अपना बहुमूल्य वोट का वो करें। बच्चों के लिए, बच्चों का भविष्य किस तरीके से दर्द करने जा रहा है, कांग्रेस और भाजपा का तो कई सालों से परंतु नशा मुक्त पाया है। नशा बड़ा है क्योंकि ये दोनों सरकारें नशा को बेच रही हैं, और इतना ज़्यादा इस पर वो हो गया है कि पहले तो बढ़ ही इस पर नशे को करते थे, अब इस नशे की मुक्त किसान भाइयों से मैं कहना चाहूँगी। किसान भाइयों का कर्ज माफी को लेकर काफ़ी चर्चा कर रही है। किसान भाइयों का कर्ज तो माफ किया जाता है, परंतु उन लोगों का जिनके पास बड़े पैमाने पर है जमीन है, परंतु जो निम्न वर्ग के हैं, जो सभी में कर्ज की जरूरत है, उनकी कर्ज माफी नहीं की जा रही। वो पूरी साल मेहनत करके भी अपने उज्जवल भविष्य को नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ तक कि 2 वक्त की रोटी की समस्या हो रही है। जो रेखा छेका अभियान के बारे में बोला, रेखा छेका अभियान सालों से चल रहा है, परंतु उस पर भी रोक नहीं लग पा रही है। सड़कें अस्त व्यस्त है, बिजली पानी नहीं हो पा रही है। मूलभूत सुविधाओं से पूरी जनता अस्त व्यस्त व्यस्त है, और जानवरों की वजह से जो होने वाली दुर्घटना है उसका पूरा खामियाजा निम्न वर्ग छोटे लोगों को ही भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि वो बड़े नेता को बड़ी परेशानी और उनको कोई परेशानी नहीं नजर आती है, परंतु सबसे ज़्यादा इसका पब्लिक का जागना होगा। पब्लिक जागे वो अपना विकास खुद करवा सकती है, उनके हाथों में भी सब कुछ है। पब्लिक वो ताकत है कि जो अपने लिए अच्छे से अच्छा
वो अपनी शर्तों पे रखवा करके एक नेता चुन सकते हैं। उन्हें चुनना है, उन्हें वो करना है। और कुछ मुद्दे हैं मेरे पास, मेरे पास भाई वकील भाई और डॉक्टर सभी के लिए, सबको सुरक्षा मिलनी चाहिए। सरकार का दायित्व है जो बस्तर में है, जो बस्तर आती है, सबकी सुरक्षा का दायित्व सरकार की, सरकार की है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, पूरे तरीके से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो कुछ सुविधाओं की उनकी सुरक्षा की। बुजुर्ग महिलाओं के लिए कहना चाहते हैं, जो अनाथ है, बुजुर्ग महिला, वो उन्हें पूर्ण सुविधाएँ मिलनी चाहिए। उनके अगर आगे कुछ उनके परिवार में है तो सरकार को ऐसी योजना चलाना चाहिए, संपूर्ण कर सके, उनकी सुविधाएँ पर ध्यान रख सके। अनाथ बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आर्थिक उन सबको ध्यान देने की आवश्यकता है। भाजपा सरकार या कांग्रेस सरकार की मुझे कोई नहीं होता, परंतु मेरा बस ये है कि अगर भाजपा कांग्रेस जो कर सकती थी उसको 100 गुना ज़्यादा हमें करना चाहिए। आज ये दस्तक होने की चिड़िया कहना वाला हमारा क्षेत्र था, परंतु आज इतना पिछड़ गया है कि सिर्फ अवस्था है। इस मुद्दे को ख़त्म करें और आओ सब मिलकर।